ये लेक्चर देखने के बाद SA 800 का आपका सारा डर चला जाएगा। बहुत ही इजी मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा SA 800, मेरे इजी वाली नोट्स में से करेंगे तो सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे जिसका नाम है सीए शंकर लखवानी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। SA 800 का नाम क्या है? स्पेशल कंसिडरेशन। देखो इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे कि अपन कोई फिजिकल क्लास में बैठे हुए हैं। ठीक है तो क्लास के क्लास में ही सब कुछ आपको क्या करना है, अभी के अभी मेरे साथ खत्म कर देना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमिटमेंट कर देना कमेंट में दैट यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन ऑडिट इन May 2024। ठीक है सबके साथ शेयर कर दो और आ जाओ बढ़िया तरीके से। ये नोट्स है ना आपको आज भी इसमें से प्रिपेयर करना है, आखिरी के 1.5 डेज में से भी इसी में से प्रिपेयर करना है। SA 800 का नाम क्या है समझो, स्पेशल कंसिडरेशंस ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ठीक है सर मैंने बोला स्पेशल कंसिडरेशन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। सर व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, वो हम लोग समझने वाले हैं। सर सुन लो पहला पॉइंट है बेसिक्स, दो मैंने पार्ट्स करके आपको दे रखे। सबसे पहले पार्ट में बात करिए जनरल पर्पस फ्रेमवर्क की और दूसरे पार्ट में बात करिए स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की। GPFW दिख रहा है आपको, ये रहा। मिला आपको GPFW, दूसरा SPFW। सर व्हाट डू यू मीन बाय GPFW, व्हाट डू यू मीन बाय SPFW। GPFW यानी कि जनरल पर्पस फ्रेमवर्क और SPFW यानी कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क यानी कि कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ वाइड रेंज ऑफ यूजर्स, कॉमन FI नीड्स ऑफ वाइड रेंज ऑफ यूजर्स को फुलफिल करने वाला होता है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। यानी कि जो भी नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने अभी तक सुनी है ना, PNL हो गया, अपना बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, वो सब किस में आता है? जनरल पर्पस फ्रेमवर्क में बनता है। लेकिन स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क का क्या मतलब है ना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ स्पेसिफिक यूजर्स। यानी कि मान लो मैं बैंक से लोन लेने गया और बैंक वालों ने मेरे को बोला कि कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करके देना, एक्रुअल बेसिस पे अकाउंटिंग मत करके देना, तो वो क्या होता है? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। या तो फिर मान लो इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं ना, उन लोगों को इरडा ने बोला, जो इरडा उनका जो बाप होता है ना, यानी कि उनका जो रेगुलेटर होता है, उन लोगों ने बोला कि ऐसे ही अकाउंटिंग करके दो, तो वो क्या होता है? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। यानी कि जनरल पर्पस फ्रेमवर्क जो अपन बचपन से लेकर आज तक पढ़ते आए हैं, PNL हो गया, बैलेंस शीट हो गया, नॉर्मल सबके लिए जो बनाया जाता है। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क यानी कि बैंक से लोन लेने गया हो तो मैंने बैंक वालों के लिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बनाया, उसको मैं बोलता हूँ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ठीक है मैंने बोला हाँ सर। अब FRF दो तरीके का होता है। FRF यानी कि क्या मतलब है सर इसका, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। FRF का क्या मतलब है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये मेरा दो तरीके का होता है, एक होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, एक होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। सर इसका मतलब क्या है ये अभी नहीं समझाऊंगा, रिपोर्टिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा ना आपको तब समझाऊंगा। रिपोर्टिंग चैप्टर ना जिसमें मॉडिफिकेशन टू ओपिनियन और ये सारी बातें आती है ऑडिट रिपोर्ट की, तब समझाऊंगा। अभी दो समझ लो, दो तरह के फ्रेमवर्क होते हैं, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। मैंने बोला ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, तीन एग्जाम्पल दिए हुए, ये रहे देखो। पहला क्या है? फॉर क्रेडिटर्स कैश बेसिस। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मैं बैंक से लोन लेने गया तो बैंक वालों ने क्या बोला मेरे को कि कैश बेसिस पे बनाना, तो पहला एग्जांपल है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। दूसरा रेगुलेटर, मैंने आपको एग्जांपल दिया बैंक वालों के केस में RBI बोलता है कि ऐसे फाइनेंशियल बनाओ, इंश्योरेंस कंपनी के केस में इरडा बोलता है कि ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, यानी कि उनका बाप बोल रहा है। कौन है उनका बाप? उनका रेगुलेटर। ठीक है। और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, यानी कि मैं लोन लेने गया ना तो लोन के एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, मैं गवर्नमेंट से ग्रांट लेने गया ना तो गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है कि इस तरीके से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, कैश बेसिस पे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है ना, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ? स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है, तीन एग्जाम्पल मिल गए। पहला तो बैंक से लोन लेने गया तो उन लोगों ने मेरे को बोला, दूसरा मेरे बाप ने बोला यानी कि रेगुलेटर ने बोला, तीसरा मेरे को कॉन्ट्रैक्ट ने बोला। मैंने बोला ठीक है, ये सारी बेसिक्स बातें थी। अब समझो क्या लिखा हुआ है अगले पॉइंट में, SPFS यानी कि स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, व्हाट डू यू मीन बाय SPFS, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मे बी यूज्ड फॉर अदर देन इंटेंडेड पर्पस। तो इसका इंटेंडेड पर्पस क्या था? अभी मैं बैंक से लोन लेने गया था, लेकिन ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई और भी तो यूज कर सकता है। एग्जाम्पल रेगुलेटर क्या बोल रहा है कि ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिक कर दो, बैंक का जो होता है ना, फॉर एग्जाम्पल RBI ने क्या बोला कि स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर दो, पब्लिक कर दो। तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा ना, अलर्ट कर देगा यूजर्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। दो बातों के लिए वो अलर्ट करेगा, पहला बात ये लिखा है यहाँ पे, पहला बात क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया गया है, और दूसरा नॉट सुटेबल फॉर अनदर पर्पस। ये जो चीज है ना, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया गया है, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया गया है, ये कोई दूसरे चीज के लिए नहीं बनाया गया है, बैंक से हमको लोन लेना था इसलिए बनाया गया है, तो कृपया करके आप इसका इस्तेमाल ना करें। ऑडिटर ऐसा अलर्ट कर देगा यूजर्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को। मैंने बोला ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इंटेंडेड यूजर्स के लिए बनाया गया है, सबके लिए नहीं बनाया गया, ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया गया।
उसके अलावा ऊपर जो देखा अपन ने अलर्ट करेगा वो तो करेगा ही, प्लस ऑडिटर इंडिकेट कर देगा कि ऑडिट रिपोर्ट इंटेंडेड सोलली फॉर स्पेसिफिक यूजर, ये खाली स्पेसिफिक यूजर के लिए। मान लो भी मैं बैंक से लोन लेने गया था ना, तो ये बैंक के लिए ही। बाय कैसे सर? रिस्ट्रिक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन और यूज ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि बाकियों के लिए वो ऑडिट रिपोर्ट है ही नहीं, रिस्ट्रिक्ट कर देगा वो ऑडिट रिपोर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन और ऑडिट रिपोर्ट का यूज। पैराग्राफ यहां पे देखो लिखा हुआ है, पैराग्राफ अलर्टिंग द रीडर्स एक्सपांडेड टू इंक्लूड दीज अदर मैटर्स एंड हेडिंग मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली। जो पैराग्राफ होगा ना ऑडिट रिपोर्ट में, उसके हेडिंग में मैं ऐसा लिख दूंगा और मैं अंदर क्या मैटर डाल दूंगा, अंदर मैं बोल दूंगा कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन को मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, इसके यूज को मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं। सबके लिए नहीं है ये, जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबके लिए होती है, ये तो स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इंटेंडेड यूजर के लिए ही है। मैंने बोला ठीक है, समझ में आ गई। अब पहला पॉइंट इसमें क्या देखना है ना हमको, समझो, कंसिडरेशन वैन एक्सेप्टिंग सच एंगेजमेंट। ये एंगेजमेंट को जब मैं एक्सेप्ट करने जा रहा हूं ना, तो मेरे को किन बातों का ध्यान रखना है, कौन एक्सेप्ट करने जा रहा है? तो मैं कहा ऑडिटर एक्सेप्ट करने जा रहा है। पहला पॉइंट क्या है उसमें समझो, ये रहा स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होता है ना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ इंटेंडेड यूजर्स। तो इंटेंडेड यूजर यानी कि अभी कौन था उसका यूजर? बैंक था, बैंक से मैं लोन लेने गया था, तो बैंक की नीड क्या थी कि कैश बेसिस पे बनाओ। तो पहली बात मेरे को क्या देखनी पड़ती है ना, वो बैंक वालों की नीड देखनी पड़ती है, यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ इंटेंडेड यूजर, इंटेंडेड यूजर बोले तो बैंक। तो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते वक्त मेरे को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ इंटेंडेड यूजर देखनी पड़ती है सबसे पहले, वो एक की फैक्टर है इन डिटरमाइनिंग एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यानी कि अभी बैंक वाले क्या बोल रहे थे, कैश बेसिस फॉलो किया जाएगा, तो ठीक ठीक है, सबसे पहले मेरे को क्या देखना है, बैंक वालों क्या बोल रहे हो आप, पहले मैं बैंक वालों की सुनूंगा, यानी कि पहले मैं इंटरनेट यूजर की सुनूंगा। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करते वक्त मेरे को क्या बात का ध्यान रखना है, कंसीडरेशन व्हेन एक्सेप्टिंग सच एंगेजमेंट। सबसे पहले मैं किसकी बात का ध्यान रखूंगा, बैंक वालों की बातों का ध्यान रखूंगा, यानी कि इंटरनेट यूजर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स क्या है, पहली बात। दूसरी बात, AFRF may encompass, AFRF का मतलब है applicable financial reporting framework, may encompass financial reporting standards established by organization that is authorized or recognized। ठीक है, उस केस में वो प्रिज्यूम्ड एक्सेप्टेबल इफ ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिश्ड और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड किसने बनाए हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं जिसपे भरोसा किया जा सकता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, यानी कि एक्रुअल बेसिस या कैश बेसिस, ये किसने बनाया है? तो मैंने बोला एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है जो कि स्टैब्लिश्ड प्रोसेस यूज कर रही है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस यूज कर रही है, यानी कि जिसपे मैं भरोसा कर सकूं। उन लोगों ने अगर बनाया है ना, तो फिर मैं क्या करूंगा, उस बात को ध्यान में रखूंगा जब मैं एक्सेप्ट करूंगा एंगेजमेंट को। यानी कि तब अगर तो ये कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है, तो किसने बनाया होता है ये सब? फॉर एग्जाम्पल AS है या IND AS है, किसने बनाए हैं? ऊपर ICA वालों ने बनाए हैं, कंपनीज एक्ट वालों ने इसको क्या किया है, रिकमेंड किया है। तो मैं क्या इन पे भरोसा कर सकता हूं? मैंने बोला हाँ बिल्कुल भरोसा कर सकता हूं। तो दूसरा मेरे को इन बातों का ध्यान रखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने बनाया है ना, उस वो स्टेब्लिश्ड प्रोसेस यूज कर रही है क्या, वो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस यूज कर रही है क्या, वो कोई बायसनेस नहीं कर रही है ना, तो उस केस में वो प्रिज्यूम्ड एक्सेप्टेबल, यानी कि उस केस में मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूं। इन्वॉल्विंग डेलिबरेशन, देखो इधर लिखा हुआ है, इन्वॉल्विंग डेलिबरेशन एंड कंसिडरेशन ऑफ व्यूज ऑफ SH यानी कि स्टेक होल्डर्स, यानी कि मेरे को स्टेक होल्डर्स को भी ध्यान में रखना है। कौन है मेरे स्टेक होल्डर? तो मैंने बोला बैंक है मेरा स्टेक होल्डर, जो बैंक मेरे को लोन देने को तैयार था। मैंने बोला ठीक है, तो पहले पॉइंट में मैं क्या देखूंगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ इंटरनेट यूजर, यानी कि बैंक, बैंक क्या चाह रहा है, बैंक मेरा इंटरनेट यूजर है, वो क्या चाह रहा है कि भैया इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ कि वो कैश बेसिस पे बनी होनी चाहिए। दूसरा क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हो, एस्टेब्लिश्ड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस जो कि यूज कर रही हो। तीसरा, सम लॉज और रेगुलेशन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर रेगुलेटर, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था इंश्योरेंस कंपनी के केस में उनका बाप यानी कि IRDA बोलेगा कि ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, बैंक के केस में RBI बोलेगा ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, यानी कि वो रेगुलेटर। इन एब्सेंस ऑफ इंडिकेशंस टू कॉन्ट्रारी प्रिज्यूम्ड एक्सेप्टेबल, यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रारी कंडीशंस मेरे को नहीं मिल रही है ना, तो मैं रेगुलेटर ने जो बोला ना उस तरीके से मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा। और चौथा, कॉन्ट्रैक्ट और सोर्सेस अदर देन अबव, फिर मैंने क्या एक और एग्जांपल आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बनेंगे। देखो मैंने आपको बताया था ऊपर, पहला तो क्या था एग्जांपल क्रेडिटर्स, ये रहा, यानी कि बैंक ने बोला कैश बेसिस पे बनाओ तो कैश बेसिस पे बनाया। दूसरा रेगुलेटर, यानी कि मेरे बाप ने बोला, और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट ने बोला, वही बात इधर चल रही है। देखो पहला वाला क्या, बैंक ने बोला, इंटरनेट यूजर ने बोला, लॉ ने बोला यानी कि कोई रेगुलेटर ने बोला, और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट ने बोला यहां पे। ठीक है, इन दैट केस एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिटरमाइंड बाय, दो पॉइंट है, कंसिडरिंग वेदर द फ्रेमवर्क एग्जिबिट्स एट्रीब्यूट्स नॉर्मली एग्जिबिटेड बाय एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एज पर ऐसे 210। यानी कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो एट्रीब्यूट है ना, वो हम उठा के स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डालेंगे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क का रिलेटिव इंपॉर्टेंस
टू पर्टिकुलर एंगेजमेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स नॉर्मली एक्जिबिटेड बाय एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक प्रोफेशनल जजमेंट है, यानी कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कौन सी उठा उठा के मेरे को स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीजें डालनी है वो मेरा प्रोफेशनल जजमेंट है, वो ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट है। दो चीजें इधर लिखी हुई, देखो यहाँ पे दो मैंने आपको करके दिए बाइफरकेशन। पहला क्या है, कंसिडरिंग वेदर फ्रेमवर्क एक्जिबिट्स एट्रीब्यूट्स नॉर्मली एक्जिबिटेड बाय एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी कि नॉर्मल वाली जो फाइनेंशियल है ना मेरी, जो मेरी नॉर्मल वाली जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें से मेरे को कौन से उठा के स्पेशल पर्पस में डालने हैं, और दूसरे वाले में पॉइंट में क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट, यानी कि ऑडिटर की मर्जी है वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कौन से लेकर के स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाल रहा है। मैंने बोला ठीक है, प्लस करके एक और पॉइंट मैंने आपको दिया है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड अबव, जो अभी मैंने आपको बताया ना ऊपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स, कि आपको इस तरीके से बनाना है, या तो यूजर के हिसाब से बनाना है यानी कि बैंक के हिसाब से, या तो लॉ के हिसाब से बनाना है, रेगुलेटर के हिसाब से बनाना है, ये जो भी मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बनाना है, अगर तो वो सप्लीमेंटेड बाय लेजिस्लेटिव या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। देखो लिखा हुआ है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड अबव सप्लीमेंटेड बाय लेजिस्लेटिव रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, तो ऐसे 210 रिक्वायर करेगा ऑडिटर टू डिटरमाइन इफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एंड लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड प्रिस्क्राइब एक्शन टू बी टेकन बाय ऑडिटर इफ कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट, यानी कि अगर तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो कि मैंने ऊपर आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बनाऊंगा या तो फिर मैं लॉ के हिसाब से बनाऊंगा रेगुलेटर के हिसाब से बनाऊंगा उनमें, और लेजिस्लेटिव रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में झगड़ा हो जाए, लेजिस्लेटिव यानी कि लॉ में, ठीक है, लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इन दोनों में अगर झगड़ा हो जाए ना तो ऑडिटर नक्की करेगा कि कौन से एक्शन उसको लेने, ऑडिटर डिसाइड करेगा कि कौन से एक्शन उसको लेने हैं इस झगड़े को सॉल्व करने के लिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट क्या था सर इसमें ये बात समझो, ये जो ऊपर के चार पॉइंट है ना वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मेरे को किस बात का ध्यान में रखना है, इंटेंडेड यूजर की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड्स, यानी कि बैंक वालों का मेरे को ध्यान में रखना है। दूसरा मेरे को किस चीज का ध्यान में रखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन बना रही है ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड वो एस्टैब्लिश्ड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस यूज करनी चाहिए। तीसरा मेरे को किस बात को ध्यान में रखना है, रेगुलेटर वाली बात को ध्यान में रखना है, रेगुलेटर जो बोलेगा ऐसे फाइनेंशियल बनाऊंगा, और चौथा कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान में रखूंगा, और जनरल पर्पस में से निकाल के मैं किसमें डाल दूंगा चीजें, यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल पर्पस वाली चीजें मैं किसमें डालूंगा स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और वो क्या रहेगा ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट रहेगा। मैं कहा ठीक है सर समझ में आ गया। अगली बात बहुत इजी, सेकंड पॉइंट कंसीडरेशंस व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, जब मैं ऑडिट को प्लान करूंगा, जब मैं ऑडिट को परफॉर्म करूंगा तो मेरे को किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात एसए 200 में कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट बताए गए, एथिकल रिक्वायरमेंट यानी कि इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी वगैरह वगैरह। दूसरी बात एसए 200 बोलता है कि आपको सारे के सारे एसएस के साथ कंप्लाई करना है अनलेस एंटायर एसए नॉट रिलेवेंट, अगर तो वो एसए रिलेवेंट ही नहीं है तो अलग बात है, या तो फिर रिक्वायरमेंट नॉट रिलेवेंट बिकॉज कंडीशनल एंड कंडीशन नॉट एग्जिस्ट। देखो मैंने रॉन्ग किया है, रॉन्ग का मतलब कंडीशन नॉट एग्जिस्ट, अगर तो कोई कंडीशन लगी नहीं रही, अगर तो कोई एसए एप्लीकेबल ही नहीं है ना तो चलेगा, लेकिन नॉर्मली अपने को क्या करना है सारे के सारे एसए से कंप्लाई करना है, ऐसा बोल रहा है हमारे एसए 200। ठीक है मैंने बोला हाँ, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में देखो ऑडिटर डिपार्ट फ्रॉम रिक्वायरमेंट इन एसए बाय परफॉर्मिंग ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, यानी कि ऑडिटर को क्या करना पड़ता है ना ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ते हैं और इसलिए वो एसए को कंप्लाई नहीं करते, यानी कि क्या बोल रहा हूं मैं सर समझो, एसए 200 क्या बोल रहा है ना, नॉर्मली आपको सारे एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करना है, यानी कि इंडिपेंडेंस इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी, और नॉर्मली आपको सारे एसए के साथ कंप्लाई करना है। हाँ लेकिन अगर कोई एसए एप्लीकेबल नहीं है या कोई कंडीशनल एसए है जिसकी कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो जाहिर सी बात है आपको वो एसए एप्लीकेबल ही नहीं रहेगा क्योंकि आपने कंडीशन फुलफिल करी नहीं, तो उस केस में आप ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा सकते हो एसए से डिपार्ट करके। ठीक है तो ये थी एसए 200 की बात। दूसरी बात आती है एसए 320 की बात। सर एसए 320 क्या है ना, मटेरियलिटी का वो होता है एसए। अब उसमें मैं क्या बोलता हूं, एक लेवल के ऊपर की चीजें आपको चेक करनी है, एक लेवल के नीचे की चीजें आपको चेक नहीं करनी है, तो उसमें नॉर्मली यूजर्स ऐसे ग्रुप की बात चलती है, लेकिन क्योंकि ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो इधर स्पेसिफिक यूजर्स की बात चलेगी। तो देखो वही लिखा हुआ है एसए 320 में, दो बात मैंने लिखी हुई है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ यूजर्स ऐसे ग्रुप आएगी क्या इसमें, मैंने बोला नहीं, तो क्या मैंने टिक किस पे किया हुआ है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ इंटेंडेड यूजर, मैं इधर खाली इंटेंडेड यूजर के चीजों को ध्यान में रखूंगा क्योंकि ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे इंटेंडेड यूजर के लिए बनाया जा रहा है। और तीसरी बात स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है ना, मैनेजमेंट एग्री करते हैं यूजर्स के साथ, जो मैनेजमेंट है ना वो एग्री करते हैं इंटेंडेड यूजर्स के साथ एक मटेरियलिटी लेवल पे, यानी कि ऐसे थ्रेशोल्ड पे बिलो विच मिस स्टेटमेंट नॉट टू बी करेक्टेड नॉट टू बी एडजस्टेड, एक ऐसे लेवल पे जिसके नीचे की मिस स्टेटमेंट है ना वो इररिलेवेंट रहेगी, उसको मैं करेक्ट नहीं करूंगा, उसको मैं एडजस्ट नहीं करूंगा, बट एग्जिस्टेंस ऑफ सच थ्रेशोल्ड डज नॉट लीव ऑडिटर फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ एसए 320। इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारा ऑडिटर है ना वो एसए 320 के रिक्वायरमेंट को लगाएगा ही नहीं, एसए 320 के रिक्वायरमेंट को लगाना है लेकिन उसको मॉडिफाई कर देना है स्पेसिफिक यूजर्स के हिसाब से, यानी मैनेजमेंट और स्पेसिफिक यूजर मिलकर नक्की करेंगे, डिसाइड करेंगे कि एक लेवल के ऊपर की चीज हम चेक करेंगे, एक लेवल के नीचे की मिस्टेटमेंट को हम लोग करेक्ट नहीं करेंगे। तो पहला हमने ऐसे 200 की बात देखी, फिर ऐसे 320 की बात देखी, तीसरा मैं ऐसे 260 की बात आपको बताऊंगा।
ऐसे 260 में क्या बोला है ना, सुनो, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसाइट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मे नॉट बी द सेम एज टीसीडब्ल्यूजी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसाइट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की निगरानी करेगा ना, हमारा दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, और जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की निगरानी करेगा, वो दोनों अलग अलग बंदे होंगे। ठीक है, मैंने बोला क्या बोले, सिंपल सी बात, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की निगरानी करने वाला और स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की निगरानी करने वाले बंदे अलग अलग होंगे। निगरानी का मतलब ओवरसाइट, देखो इधर ओएस लिखा हुआ है। मैंने बोला ठीक है, ये था मेरा दूसरा वाला पार्ट। अब तीसरा वाला पार्ट, अभी तक अपन ने कौन से दो पार्ट पढ़े, कंसीडरेशंस व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट, यानी कि प्लान करते वक्त परफॉर्म करते वक्त ऑडिट को मेरे को कौन सी बातों को ध्यान रखना, और उसके पहले क्या पढ़ा था, कंसीडरेशंस व्हेन एक्सेप्टिंग सच एंगेजमेंट, यानी कि ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले मेरे को किन बातों का ध्यान रखना है। अब तीसरी बात, रिपोर्ट बनाते वक्त मेरे को किन बातों का ध्यान रखना है, सुन लो, रिपोर्ट बनाते वक्त किन बातों को ध्यान रखना है। ऐसे 700 रिक्वायर्स ऑडिटर टू एवेल्युएट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडिक्वेटली रिफर टू और डिस्क्राइब टू एएफआरएस। ऐसे 700 क्या बोल रहा है ना कि देखो, ऑडिटर को क्या बोल रहा है कि देखो कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से, यानी कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, यानी कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को रिफर कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है। या तो यहाँ पे चीजें कैसे चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चल रही है, अगर आपको याद हो तो। तो इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर कॉन्ट्रैक्ट, लिखा हुआ है इधर देखो, मैंने इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑडिटर क्या इवेल्युएट करेगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चल रही है। सिंपल नॉर्मल ऐसे 700 में क्या बोलता है ऑडिटर कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से चल रही है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से चल रही है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऑडिटर देखेगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बनी गई है। तो ऐसे 700 में क्या होता है ना, फॉर्म होता है और कंटेंट होता है ऑडिट रिपोर्ट का। फॉर्म बोले तो फॉर्मेट और कंटेंट, यानी कि अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इस केस में हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट रिपोर्ट में दो बातें आएंगी। पहला तो क्या आएगा ना, देखो इधर मैंने बाइफरकेशन करके दिया है। पहला क्या आएगा कि ऑडिट रिपोर्ट डिस्क्राइब करेगी कि पर्पस क्या है, जैसे कि अभी पर्पस क्या था, मैं बैंक से लोन लेने गया था। दूसरा, इंटेंडेड यूजर कौन है, इंटेंडेड यूजर कौन थे मेरे केस में, बैंक वाले इंटेंडेड यूजर थे। या तो फिर अगर आपको पर्पस इंटेंडेड यूजर नहीं बताना, तो एक रेफरेंस टू नोट दे दो जिसमें आप ये लोग डिस्क्लोज कर दो। यानी कि या तो आप मेन में आप दे दो, मेन रिपोर्ट में आप पर्पस बता दो, इंटेंडेड यूजर बता दो, नहीं तो नीचे नोट लिख दो और नोट में रेफरेंस दे देना पर्पस और इंटेंडेड यूजर का। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर तो मैनेजमेंट को मैंने चॉइस दे दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को चूज करने, यानी कि मैनेजमेंट की मर्जी कि तू कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चूज कर, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स रेफरेंस टू इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटरमाइनिंग दैट एएफआरएफ इज एक्सेप्टेबल। यानी कि जो मैनेजमेंट है ना, उसकी जिम्मेदारी वो बताएगा कि मैंने ये वाला पर्टिकुलर एफआरएफ क्यों चूज किया। मैनेजमेंट को मैंने बोला था दो चॉइस है तेरे पास, तू या तो ये वाला एफआरएफ चूज कर या तो फिर ये वाला एफआरएफ चूज कर। एफआरएफ बोलते ये अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। मैनेजमेंट को मैंने बोला कि तू ये वाला एफआरएफ चूज कर या ये वाला एफआरएफ चूज कर, तो मैनेजमेंट की मर्जी थी, तो मैनेजमेंट बताएगा कि मैंने ये वाला पर्टिकुलर एफआरएफ क्यों चूज किया। ये अपना क्या था, ऐसे 800 फटाफट से लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, कमिटमेंट कर दो कमेंट में दैट एएस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70 प्लस इन ऑडिट इन मई 2024। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।